नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऑफिशियली एंड्रॉयड 13 का जो स्टेबल बिल्ड है रिलीज हो गया है पिक्सल डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर हमने शामी MI2 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 13 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान शामी MI2 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 13 को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर एंड्रॉयड 13 के साथ किस तरह से परफॉर्मेंस देने को मिलेगा, प्लस पर जो है बेंच मार्किंग एंड क्या क्या बग देने को मिलता है उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले एज बिल्ड है दोस्तों, पिक्सल 5 से पोर्ट किया गया है शामी MI2 डिवाइस के लिए। यहाँ पर एज बिल्ड है दोस्तों, पिक्सल 5 का पोर्ट बिल्ड है MI2 डिवाइस के लिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके इस रॉम को डाउनलोड करना होगा। एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करें, एंड्रॉइड 13 देने को मिलेगा। एंड्रॉइड 13 के साथ नया वाला जो स्टडी है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से एंड्रॉइड 13 के साथ जो है नया वाला जो स्टडी देने को मिलेगा। यहाँ पर लेटेस्ट 5 अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर कर्नल की अगर बात करें, 4.19 कर्नल के साथ एजबल्ड है अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड्रॉइड 13 के साथ जो है क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। मेनली यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 12 एंड एंड्रॉइड 13 के साथ यहाँ पर UI के ऊपर ज़्यादा कुछ चेंजेस देने को नहीं मिला है। यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के ऊपर जो जो इशू था उसे भी फिक्स किया गया है, प्लस कुछ कुछ इंप्रूवमेंट देने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं क्विक सीरीज पैनल के बारे में, कुछ इस तरह से क्विक सीरीज पैनल के साथ जो है UI देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है जो पावर मेनू का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस जो सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ जो पर QR कोड को स्कैन करने के लिए जो टॉगल है इसे भी ऐड किया गया है। पर एंड्रॉइड 13 के साथ QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है 100 मोड का जो टॉगल है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ 100 मोड का जो टॉगल है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ जो पर मॉनेंड UI को इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ जो पर मॉनेंड UI को ऐड किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ जो पर मॉनेंड UI को इम्प्रूव किया गया है। पर वॉलपेपर कलर के ऊपर जो ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर इतनी सारी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड्रॉइड 13 के साथ मॉनेंड UI को इम्प्रूव किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अपग्रेड के ऊपर ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर जो है यहाँ पर डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के ऊपर जो कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। बेसिकली यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ ऑप्शंस को ऐड नहीं किया गया है एंड्रॉइड 13 के साथ। यहाँ पर जो है बग फिक्सेस देने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर जो है मॉनेंड UI को इम्प्रूव किया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इस पोर्ट बिल्ड के साथ जो है शामी MI2 डिवाइस के ऊपर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन काम करता है। Wi-Fi काम करेगा, ब्लूटूथ काम करेगा, फ्लैश लाइट भी काम कर जाएगा, लोकेशन का जो ऑप्शन काम करता है, पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन काम करता है, हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात है। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर एनहेंस नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, पर एनहेंस नोटिफिकेशन ब्लिंग लाइट नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का ऑप्शन है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो लगभग 5 से 6 आवर के आसपास जो पर स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा शामी MI2 डिवाइस के साथ। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हो। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, एडेप्टिव साउंड नाउ प्लेइंग का ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, प्लस पर जो स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन टच साउंड का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर जो है मॉडर्न UI के ऊपर ढेर से ऑप्शंस को ऐड किया गया है, पर डार्क मोड का ऑप्शन है, थीम आइकॉन अपग्रेड का ऑप्शन है। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन काम करता है। यहाँ पर लोकेशन के ऊपर जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर नाउ प्लेइंग का ऑप्शन है, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जब भी आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करेगा, नाइट लाइट का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली पर जो है डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, प्लस पर जो है गोल्फ मोड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। अगर बात करें पर एक्सेसिबिलिटी सीरीज के बारे में, तो पर
एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के साथ आप नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइव कैप्शन, यहाँ पर साउंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया, ओपन होने के बाद रैपिड एनिमेशन को ऐड किया गया है। इस बिल्ड के साथ जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। सिंपली यहाँ पर फिंगरप्रिंट से काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। पर रैपिड एनिमेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो पर प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है। एंड्रॉइड 13 के साथ भी प्राइवेसी को इम्प्रूव किया गया है। पर प्राइवेसी डैशबोर्ड का ऑप्शन, लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो इस ऑप्शन अवेलेबल है, पर शामी पार्ट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया। शामी पार्ट्स के ऊपर जो हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन है, प्लस पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है। पर डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। काफी बढ़िया बात है। इस अपडेट के साथ जो है पर शामी पार्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर गेस्ट्स, यहाँ पर गेस्ट्स का ऑप्शन है। गेस्ट्स के ऊपर जो क्विक टैप का ऑप्शन है, सिंपली पर जो क्विक टैप के साथ आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, रिसेंट एप्लीकेशंस को ओपन कर पाओगे, नोटिफिकेशन को ओपन करने का ऑप्शन है। सिंपली बच्चे शो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली बच्चे क्विक टैप करके आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर शायद क्विक टैप का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है शामी MI2 डिवाइस के साथ। यहाँ पर स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली बच्चे यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ जब नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली बच्चे पावर बटन को डबल प्रेस करके आप जो कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो, जो क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बट सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है टू बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। 3 बटन नेविगेशन गेस्ट्स नेविगेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर 100 मोड को ऐड किया गया है। सिंपली 100 मोड का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली बच्चे नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके आप जो है 100 मोड को एनेबल कर सकते हो। पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। 100 मोड का जो शॉर्टकट इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर गेस्ट्स के ऊपर जो है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, सिंपली बच्चे पावर बटन के साथ आप असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर गेस्ट्स के ऊपर जो है इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें पर कैमरा टिप के बारे में, यहाँ पर इस रोम के साथ जो है पर कैमरा टिप के ऊपर Level 3 का सपोर्ट है। पर जिकम काम घट जाएगा, गूगल कैमरे पर काम करते, काफी बढ़िया बात है। पर कैमरा टिप के साथ जो Level 3 का सपोर्ट है। एंड अगर बात करें कैमरा गो के बारे में, पर जिकम गो भी काम घट जाएगा। पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर गूगल कैमरा गो भी काम कर जाएगा। पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है इस जिकम गो के साथ। अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, हमने पर इस रोम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से रन किया था। यहाँ पर CPU थ्रेडिंग के ऊपर जो लगभग 5 मिनट के लिए हमने इस टेस्ट को रन किया था। यहाँ पर लगभग 5 मिनट के लिए CPU थ्रेडिंग टेस्ट जो है हमने रन किया था। मैक्स गया है 114, एवरेज 105, मिनिमम है 79। यहाँ पर जो है 88% का CPU थ्रॉडल देने को मिल गया है। मैक्स वो गया है 2.20 GHz तक। अगर बात करें पर Geekbench 5 के बारे में, यहाँ पर जो है 322 सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ जो पर 1002 का स्कोर है Geekbench 5.4.4 के साथ। तो अगर आप चाहो तो जो है कस्टम कर्नल को फ्लैश करके आप जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर इस कर्नल के साथ जो कुछ इस तरह से Geekbench एंड यहाँ पर CPU थ्रेडिंग के ऊपर जो है परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप कस्टम कर्नल को फ्लैश करोगे, आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट स्कोर भी देने को मिल सकते हैं Geekbench एंड CPU थ्रेडिंग टेस्ट के साथ। यहाँ पर जो है कस्टम कर्नल के साथ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ओवरऑल एंड्रॉइड 13 का एज बिल्ड है, आप डेफिनेटली यूज करके देखो। एंड यहाँ पर एज बिल्ड है, पिक्सल 5 से पोर्ट किया गया है शामी MI2 डिवाइस के ऊपर। नंबर बात कर लेते हैं इस रोम को किस तरह से फ्लैश करना होगा शामी MI2 डिवाइस के ऊपर। तो कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका जो है बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। अगर आप नहीं जानते किस तरह से कस्टम रिकवरी को फ्लैश करते हैं शामी MI2 डिवाइस के ऊपर, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली MI2 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 इंस्टॉल करने के बाद जो है पर जो रिकवरी रहेगा ऑटोमेटिकली चेंज होकर लाइनेज वाइज का जो रिकवरी है देने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली आपको अलग से बच्चे कस्टम रिकवरी को फ्लैश करना होगा एंड्रॉइड 13 को इंस्टॉल करने के बाद। सिंपली बच्चे
कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए सबसे पहले आपको फोन को ऑफ करना होगा। फोन को ऑफ करने के बाद सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप जो है कस्टम रिकवरी को फ्लैश कर सकते हो। पर ऑरेंज बॉक्स रिकवरी प्लस पर जो है TWRP रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। सिंपली कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला था, यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 13 को इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली जो कस्टम रिकवरी रहेगा चेंज होकर यहाँ पर लाइनेज वो इसका जो रिकवरी देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको एंड्रॉयड 13 को इंस्टॉल करने के बाद आपको अलग से पर जो है कस्टम रिकवरी को फ्लैश करना होगा। तो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा, वहां पर जाके आपको सिंपली यहाँ पर जो है सभी फाइल्स को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है रॉम को डाउनलोड करना होगा, एंड्रॉयड 13 का जो रॉम है डाउनलोड करना होगा, प्लस आपको यहाँ पर जो है मैजिस को डाउनलोड करना होगा, प्लस यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी उसे भी आप डाउनलोड करना होगा, एज वेल यहाँ पर जो आपको कस्टम कर्नल को फ्लैश करना है। सबसे पहले बच्चे सभी इंपॉर्टेंट डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके सभी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। कस्टम रिकवरी को बूट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर स्लॉट को चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर स्लॉट ए सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर स्लॉट को चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर स्लॉट ए सिलेक्ट करने के बाद बैक आके यहाँ पर कार्डन रॉम का बैकअप क्रिएट कर सकते हो। बाद में आप चाहो तो रिस्टोर भी कर पाओगे। सिंपली बैकअप में जाके सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्वाइप करके कार्डन रॉम का बैकअप क्रिएट करो। बैकअप क्रिएट करने के बाद सिंपली वजह है वाइप में जाना होगा। एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैशे सिस्टम, ये जो चार ऑप्शन है सिलेक्ट करना होगा। सिंपली वजह डेल्विक डेटा कैशे सिस्टम, ये चार ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिंपली वजह स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकेंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली आप जो है बैक आके यहाँ पर इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है रॉम को फ्लैश करना होगा। तो पर जो पिक्सल 5 का जो एंड्रॉयड 13 का जो पोर्ट बिल्ड है इसे आपको सबसे पहले फ्लैश करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंड्रॉयड 13 का जो रॉम है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर जो सिंपली स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। एंड्रॉयड 13 का जो रॉम है फ्लैश होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शामी MI2 डिवाइस के ऊपर जो है AB पार्टीशन देने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो रॉम फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले स्लॉट ए के ऊपर फ्लैश होगा, उसके बाद जो स्लॉट बी के ऊपर फ्लैश होगा, इसलिए यहाँ पर जो रॉम फ्लैश होने में टाइम लगेगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो रिकवरी का जो बिल्ड है, यहाँ पर हम ऑरेंज फॉक्स रिकवरी की यूज करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो TWRP रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी को सिलेक्ट करना होगा एंड कस्टम रिकवरी को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रॉम को सिलेक्ट करना होगा। रॉम को सिलेक्ट करने के बाद रॉम को फ्लैश करो, उसके बाद यहाँ जो है रिकवरी को सिलेक्ट करना होगा। रिकवरी को सिलेक्ट करने के बाद रिकवरी को स्वाइप करके फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट रिकवरी अवेलेबल नहीं है, लाइनेज है इसका जो रिकवरी देने को मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर रिकवरी को फ्लैश करना होगा। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी फ्लैश करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो है मैजिस को फ्लैश करना होगा। तो यहाँ पर जो अगर आप मैजिस को फ्लैश नहीं करोगे तो ये जो रॉम है आपके डिवाइस को और बूट नहीं होगा। तो आपको सिंपली बचे मैजिस को फ्लैश करना होगा। मैजिस को फ्लैश करने के बाद यहाँ पर जो आप कस्टम कर्नल को फ्लैश कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो कस्टम कर्नल को फ्लैश करो। कस्टम कर्नल को फ्लैश करने के बाद सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पर जो रॉम को फ्लैश करना होगा। रॉम को फ्लैश करने के बाद यहाँ पर जो रिकवरी को फ्लैश करो। रिकवरी को फ्लैश करने के बाद मैजिस को फ्लैश करो। मैजिस को फ्लैश करने के बाद यहाँ पर कस्टम कर्नल को फ्लैश करना होगा। कस्टम कर्नल को फ्लैश करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पर फ्लैशिंग होने में लगभग 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। फ्लैशिंग होने के बाद सिंपली बैक आके अब रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। नाउ यहाँ पर इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट सेफनेट पास नहीं होगा, आपको अलग से बजे सेफनेट को पास करने के लिए आपको सिंपली यह बजे मैजिस को इंस्टॉल करना होगा। बाय डिफॉल्ट इस रॉम के साथ जो सेफनेट पास नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से अब MI2 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 13 का जो पोर्ट बिल्ड है, पिक्सल 5 का जो पोर्ट बिल्ड है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। काफी बढ़िया बात है। डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो MI2 डिवाइस को, बट ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से पर काम कर जाएगा। काफी बढ़िया ओवरऑल जो एंड्रॉयड 13 का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा शामी MI2 डिवाइस के साथ। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। MI2 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।